नेता सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने आज लगातार चौथे दिन 9 घंटे पूछताछ की। इधर ईडी ने आज गोवा में होटल चलाने वाले गौरव आर्या नाम के शख्स से भी पूछताछ की है। पूर्व राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी का सोमवार को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने बताया कि उनकी अंत्येष्टि मंगलवार दोपहर 2 बजे लोधी रोड श्मशान घाट की जाएगी। शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई के तहत जिले में 68% प्रवेश हो चुके हैं। शिक्षा विभाग ने आरटीई ड्रॉ में चुने गए बच्चों को 31 अगस्त तक प्रवेश लेने की मोहलत दी थी, लेकिन कोविड संक्रमण के चलते यह मोहलत अब 15 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। इसमें चुने गए शेष बच्चों को अब 15 सितंबर अपना प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। शहर में गणेश विसर्जन के मद्देनजर फुटाला, गांधी सागर, नायक तालाब, कलमना, सकतरा, सोनेगांव, कोराड़ी, महादेव घाट, कामठी, हिंगना, एना नदी व अन्य स्थलों पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया। कोविड संक्रमण के चलते मेट्रो सेवा बंद होने के बाद लॉकडाउन और अनलॉक अवधि में महामेट्रो ने निर्माण कार्य गति को बनाए रखते हुए राहत कॉलोनी, बंसीनगर और अजनी मेट्रो स्टेशन का काम पूरा कर लिया। यह स्टेशन अब अनलॉक होने के लिए तैयार है। अजनी चौक मेट्रो स्टेशन से शीघ्र ही नागरिक यात्रा कर पाएंगे। गणेशोत्सव में 10 दिनों तक सभी के आराध्य भगवान गजानन को श्रद्धापूर्वक विदाई दी जाएगी। सादगी पूर्ण रूप से बाप्पा की प्रतिमाओं को विसर्जन किया जाएगा। कोविड के संक्रमण को देखते हुए मनपा ने भक्तों से आग्रह किया है कि वे घरों में ही प्रतिमाओं का विसर्जन करें। फिर भी आस्था को देखते हुए 176 कृत्रिम तालाबों की व्यवस्था की गई है। बरसात के मौसम में सभी प्रकार की दाल की कीमत बढ़ गई है। सर्वाधिक बिकने वाली तुअर दाल का रेट थोक में क्वालिटी अनुसार 70 से 90 रुपए तक है, जबकि खुदरा बाजार में 95 रुपए बिक रही है। इसके रेट दशहरे तक 100 रुपए तक जाने का अनुमान व्यापारियों ने जताया। ज्ञात हो कि 2 महीने पहले तुअर दाल 85 रुपए प्रति किलो रेट पर बिक रही थी। नागपुर जिले में कोविड संक्रमितों के स्वस्थ होने के दर में सुधार हुआ। सोमवार को 1223 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही अब तक 19,244 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इसमें होम आइसोलेशन के कुल 8,828 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। नागपुर जिले की बाढ़ प्रभावित तहसील सहित विदर्भ के कई जिलों में इस समय जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बाढ़ के दौरान पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने रविवार से ही अभियान चला रखा है। सोमवार को दूसरे दिन भी भारतीय सेना का यह अभियान जारी रहा। शहर के जनप्रतिनिधियों ने नागपुर में जारी सम विषम पद्धति के आधार पर दुकान खोलने की व्यवस्था को समाप्त करने और कोविड के संक्रमण को कम करने के लिए शनिवार व रविवार को जनता कर्फ्यू लगाने की मांग सोमवार को महापौर संदीप जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में की। यह सभी के हित में होगा।